अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। जनाब आज इस खूबसूरत से घर में जहाँ बहुत सारी हिस्ट्री है, जहाँ बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपको नज़र आएंगी जिसमें जाने पहचाने चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो मैं इतनी नहीं जानती इन तस्वीरों के बारे में, लेकिन वो डिटेल्स जब हमारी मेहमान हमारे साथ होंगी तो बताएंगे। देखेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जना, हमारे फादर, हम सब के बाप, जिन्होंने ये मुल्क हमें दिया, हमें ये पहचान दी जनाब, उनकी तस्वीर भी है। ये पूरी हिस्ट्री हम जानेंगे, लेकिन तब जब हमारी वंडर वुमन हमारे साथ होगी। और वंडर वुमन पूरे पाकिस्तान में मुझे लगता है, और ख़ासतौर पर शोबिस इंडस्ट्री में जब हम झांकते हैं तो वो एक ही हैं। वो कौन है जनाब, आइए मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ फातिमा ज़ारा मलिक फ्रॉम FZM बुटीक फिटनेस। मैं नादिया हुसैन की ट्रेनर हूँ। नादिया जब मेरे पास आई थी, शी ऑलरेडी हैड अ फैंटास्टिक बॉडी। व्हाट वी वर्कड ऑन टुगेदर इज डेवलपिंग स्ट्रेंथ। हम उनके साथ पिलाटेस करते हैं, एज यू कैन सी वी हैव ऑल दीज पिलाटेस मशीन। आई थिंक कि नादिया बहुत फिट है। उन्होंने मेरे साथ लास्ट ईयर हज भी किया था, एंड शी वाज अमेजिंग एट इट। शी इज अ सुपर मॉडल, एंड येट शी फाइंड्स टाइम टू कम टू दिस जिम एंड टू ट्रेन विद मी। सो इफ शी कैन डू इट, सो कैन यू। शी इज अ वंडर वुमन एंड सो आर यू। Are you ready to work out? Yes, I am. Oh. This is Fatima. और यहाँ पे ये एक FZM जो है चलाती हैं, फिटनेस बुटीक, एंड मैं जो हूँ वो कुछ अरसे से इनके पास आ रही हूँ, एंड आई एम रियली लविंग इट बिकॉज दे रियली गिव पर्सनल अटेंशन, और बहुत मज़ा आता है, एंड तो ज़रूर आप लोग भी देखेंगे। I think we'll have to wrap up soon क्योंकि सादिया आई हुई है मेरे घर, और पूरा दिन मैं उनके साथ गुजारूंगी। इस वक्त मेरी सांस फूली हुई है, पूरा घंटा एक्सरसाइज किया है। सो दैट्स वेयर टू गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम जमाल है और आज हम शूट कर रहे हैं नादिया हुसैन के साथ। काम करने में नादिया के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आज आप देखेंगे हमारा शूट नादिया के साथ। Yes, we did the gym in the morning. I've come for a quick shoot, and अब जो है वो मैं बच्चों को जाके स्कूल से पिक करके I'll rush home and I'll meet you with Sadia. फाइनली चेंज करके हसीना बन के और मुझे इंतहाई कॉन्शियस करके मेरे सामने बैठी हैं। मैंने कलर पिंक पहना है और वो खुद इतनी पिंक है कि दिल करता है कि उन्हें देखते ही रहे। अगेन नादिया हुसैन, वालेकुम सलाम, क्या हाल है सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक नादिया, क्योंकि जिम कर लिया, सब कुछ हो गया, घर आई, फ्रेश भी हो गई, चेंज भी कर लिया, बच्चों को पिक भी कर लिया, खाना भी खिला दिया। हाँ मतलब ये अगर सोचे तो हजम नहीं हो पाती सारी चीजें, कैसे बस करना पड़ता है यार। आई मीन एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। आई मीन आई हैव टू ऑल्सो गो टू द जिम, देन बच्चे जो हैं वो, मेरी बेटी जो है जो छोटी वाली है वो थोड़ा सा काफ़ी जो है ना वो करती है कि नहीं हाँ यू हैव टू पिक मी अप, और अब जो उसके देखा देखी अब बेटा भी बोलता है, तो पहले तो मेरी अम्मी पिक करती थी तो मेरे लिए बहुत आसान था, तो अब उसके देखा देखी वो भी अब बोलने शुरू हो गया है कि मामा यू हैव टू पिक मी अप, नो मामा यू कम, मामा यू कम। अब मेरा फिर मैं तो कहती हूँ केजीएस और लिंक्स में इधर उधर हो रही होती है। बिल्कुल, मतलब कि उसको पिक करो, उसके बाद फिर उसके लिए भागो, फिर बड़ी वाली है वो उसका 45 मिनट्स का होता है, तो क्योंकि वो देर से फारिग होती है, फिर स्कूल में मैं वक्त गुजारती हूँ, यू नो इन लोगों के ये खेल रहे होते हैं छोटे, फिर मैं इंतजार करती हूँ,
उसके बाद फिर मैं जल्दी भागी पिक सारे बच्चों को, जब फाइनली स्कूल ऑफ हो गया फिर मैं सलोन गई, वहां पे एक अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट करके फिर मैं घर आई हूँ। और घर आने के बाद देखिए कितनी फ्रेश है नादिया खुद क्या है। एक्चुअली आज तक हमने सिर्फ मॉर्निंग शोज में या शोज में नादिया हुसैन को देखा है, एक वर्कोहालिक। नादिया की अपनी जिंदगी में क्या प्रायोरिटीज थी, वो क्या चाहती थी अपनी लाइफ से और क्या हो गया। कहते हैं ना, कुछ फैसले ऊपर वाला करते, कुछ फैसले हम करते। हाँ। तो आपकी जिंदगी में कभी ऐसा था कि कुछ फैसले आपने क्यों और बाद में आप लोग बैक करते हैं, आप कहते हैं कि वो नहीं हुआ ये हुआ लेकिन ये उससे बहुत बेहतर हो गया। हाँ बिल्कुल। वेल ऑफ कोर्स यू नो जिंदगी की अपनी होती है राह जो जिसके ऊपर वो आपको लेके चलती है। बट आई वुड से आई हैव ऑलवेज बीन, मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का शौक था एंड आई वाज वेरी मच इनटू, और मैं हमेशा से बहुत गो गेटर टाइप एक हमेशा से रही हूँ इवन फ्रॉम। अच्छा, ये थोड़ा बहुत चेंज मेरे में आया जब मैंने अपना अराउंड ए लेवल्स, ठीक है ना, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बचपन से ऐसी थी। बचपन से एक्चुअली मैं काफ़ी यू नो धीमी सी और क्वाइट, हाँ, शाय, वेरी रिजर्व एंड कभी भी जो था वो उस किस्म का एक वो चीज़ नहीं थी यू नो कि बस कुछ करना है। मतलब स्टडीज में मैं करती थी, पढ़ाइयाँ करती थी, लेकिन ये नहीं है कि जी कोई यू नो ए ग्रेड स्टूडेंट और समथिंग। आई वॉज लाइक अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, लेकिन मेहनत मैं ज़रूर करती थी एंड बट आई थिंक आफ्टर और ड्यूरिंग माई ए लेवल्स आई स्टार्टेड यू नो, मुझे एक पढ़ाई का भी हो गया, मुझे एक चैलेंज मैंने अपने सर पे खुद से ले लिया कि जी ओ लेवल्स के दौरान मैंने एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट था, नहीं ओ लेवल्स के दौरान नहीं, ए लेवल्स के दौरान ही एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट मैंने मैथ्स ले लिया, ठीक है। अब मैथ्स के साथ क्योंकि मैंने ओ लेवल एट मैथ्स नहीं किया हुआ था तो मुझे ओ लेवल एट मैथ्स करना जरूरी था। तो ए लेवल फर्स्ट ईयर में पता नहीं क्या ये मुझे हुआ कि नहीं मुझे मैथ्स करना है, तो अब मैंने पहले साल में ओ लेवल एट मैथ्स किया, उसके बाद सेकेंड ईयर में मैंने फिर ए लेवल मैथ्स किया। और यू नो आई मीन इट, उस वक्त से आई जस्ट वॉन्टेड टू आई मीन दैट गो गेटर काइंड ऑफ एन एटीट्यूड यू नो कि बस मुझे करना है। सो बस एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड इट जस्ट डिडंट स्टॉप। डेंटिस्ट्री भी चलती रही और फिर डेंटिस्ट्री कॉलेज में ना मुझे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने थे क्योंकि जो एडमिन थी ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और उन लोगों को जब पता लगा ना कि आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री तो वो लोग ना मुझे बुला लेते थे ऑफिस कि आप हम देख रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वेरी फ्रेंडली विद द बॉयज इन माई फैमिली। माई आई ओनली हैव वन ब्रदर, मेरे भाई की भी दोस्तों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। आई मीन आई यूज टू टॉक वेरी नॉर्मली विद बॉयज, सो कभी भी वो ये वाला नहीं था, ओह माय गॉड इज अ बॉय तो अलग रहे। हाँ नहीं कि जी मैं तो नहीं इससे बात कर सकती, मैं तो आई वाज वेरी ओपन एंड आई हैड अ वेरी न्यूट्रल रिलेशनशिप विद द बॉयज यू नो। दोस कॉलेज पीपल डिडंट अंडरस्टैंड दैट, दे डिडंट बिलीव इट, दे यूज्ड टू से कि ये अगर बात भी कर रही है ना तो ये कुछ है। And I used to be like, oh my God, you know, मैं ये कहाँ आ गई। यहाँ पे बात रुकूँ कि ये सोच अभी नहीं है हमारे में, अभी भी ये सोच पाई जाती है। ये इतने सालों पहले जब लोगों की सोच थी, जहाँ हम लोग कहते थे कि मेरा ख्याल बड़ा लिबरल उस वक्त दौर हुआ करता था, बड़े लोग बड़े बूढ़े आंख देख के समझ आया करते थे कि बच्चे की नजर से समझ जाते हैं ना लोग, उठने बैठने से समझ जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल वहां से जो हमारा माइंडसेट चला आ रहा है वो चेंज नहीं हो पाता अभी भी, बहुत सारी जगह हमें ये फेस करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट यू नो द चैलेंज फॉर मी देन वाज दैट यू नो आई हैड टू प्रूव दैट नो मैटर व्हाट यू नो माय क्या सोचते हो मैं करके दिखाती हूँ। तो वो मेरे लिए डबल चैलेंज बन गया बिकॉज एक तो ये कि यू नो मेरा माय so called my frankness with the boys around and it was a co-ed school,
इसमें कहीं पे भी सेग्रीगेशन नहीं थी। हाँ, हमारा कोएड स्कूल था, तो भाई अगर कोएड स्कूल है तो फिर आपने नॉर्मल रिलेशनशिप तो रखनी है ना आपके एड के लोगों के साथ, और के एक टेंट बना के थोड़ी अंदर बैठ के पढ़ेंगे। सो आई यूज्ड टू फील कि अच्छा चलो ठीक है, अब जो है वो मैं जरा दिखाती हूँ इन लोगों को कि जी अब जो है आप दोनों चीजों को मेंटेन करके बैलेंस करके आप चल सकते हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स माशाल्लाह आई स्टार्टेड गेटिंग डिस्टिंक्शंस, बिकॉज मैंने कहा अब तो मैं इनको दिखाऊंगी के जी क्या है। और जब मेरा फोकस पढ़ाई भी था, एंड व्हेन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं ये इसका कोई इस किस्म का अजीब किस्म की वियर्ड थिंकिंग नहीं है, देन दे बैक्ड ऑफ यू नो। बट मुझे शुरू में काफी यू नो मेरे ऊपर एक हर दफा जो था ना वो ऑफिस में बुला लेते थे, इसलिए भी हो सकता है। जनाब द ग्रेट नादिया हुसैन हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगु चलती रहेगी, बातें होती रहेंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इनके साथ हमने क्या जाना है, इन्होंने पहुंचना है अपनी क्लास में, जल्द से जल्द वहां जाके इन्होंने अपनी क्लास देनी है। तो जनाब इनके साथ चलते हैं सफर पे, और हमेशा की तरह ये वो आपको मैं बताती हूँ, उर्दू वाला नहीं, इंग्लिश वाला नहीं, इंग्लिश वाला सफर नहीं होता, ये उर्दू वाला सफर होता है जिसमें मेरे साथ उनसे बात होती रहेंगी, और कुछ मजे की पिक्चर्स दिखाते जो इनके घर में लगी, उनकी हिस्ट्रीज भी जाननी है कि उनके पीछे की क्या हिस्ट्री है। लेकिन इस ब्रेक So if you feel that the beauty world glitters are sticking, that means it's very good. Welcome back, Nazreen. हम लोग अब गाड़ी में यकीनन एक सफर पे तो गाड़ी में ही होंगे। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या है ये ब्यूटी एक्सपो, क्या ये एक इवेंट है ब्यूटी एक्सपो के नाम से, जो कि एक ब्रांड है और एक मैं खाली चैनल का एक जॉइंट एफर्ट है। तो इसके अंदर बेसिकली ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करना चाह रहे हैं, और तो उसके अंदर दे वांटेड मी टू बी अ सो कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर। तो उसके अंदर फिर मैंने डिसाइड किया कि आई शुड दे वॉन्टेड मी टू हैव स्टॉल। तो मेरा एक सलोन का स्टॉल भी है उसके अंदर, तो जिसके अंदर हम हेयर एंड मेकअप को जो है वो कर रहे हैं स्टॉल के अंदर। एंड उसके बाद दे ऑल्सो वॉन्टेड के मैं जो हूँ वो एक मास्टर क्लास करूँ मेकअप की। तो वो जो है वो बेसिकली अब जो है वो हम उस पर जा रहे हैं कि जिसके अंदर मास्टर क्लास जो हो रही है मेकअप की, उसके अंदर इट्स एक्चुअली अ फ्री मास्टर क्लास यू नो। तो वो जो भी रजिस्ट्रेशन होंगी जो खवातीन रजिस्टर करेंगी वो लोग आएंगी और उनके लिए जो है वो हम क्लास फ्री क्लास है। अच्छा, लोग बड़ा जानना चाहते हैं कि नादिया ने मेकअप खुद बेसिकली कहाँ कहाँ से सीखा। यार बिल्कुल ऑनेस्टली नहीं कहीं से सीखा, जिस तरह तुम्हारा है कि खुद कर करके जो है वो आप इतना ये अपने में करवा करवा के आपको इतना सीख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच जो है वो हमेशा मेरे में था, बिकॉज इवन इन माय स्कूलिंग इयर्स यू नो मैं आर्ट में बहुत अच्छी थी, ड्राइंग में बहुत अच्छी थी। तो जब मैंने कॉलेज के अंदर भी ना हम लोग को बहुत सी ड्राइंग्स करनी होती थी, डायग्राम्स और यू नो जब चाहे वो जो भी अगर दांतों से भी रिलेटेड हो, तो मैं बहुत माइन्यूट किस्म की यू नो ड्राइंग्स करती थी। तो आर्टिस्टिक हैंड तो है, तो उसके अंदर ये है कि दिस हेल्प्स ऑफ कोर्स टू हैव एन आर्टिस्टिक हैंड, बिकॉज अगर आपको आईलाइनर लगाना है, आपको लिप लाइन बनानी है, आपको एक सिमेट्री देखनी है किसी चीज की, कि जाहिर है नेचुरली यू नो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एसिमेट्री होती है, कोई आईब्रो एक ऊंचा है कोई नीचा है, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम ये है ऊंची नीचे आईब्रो, हमेशा हमेशा होता है ये यू नो। और फिर लिप शेप भी जो है वो आपको बैलेंस करनी होती है। तो ये इन सब चीजों की अगर आपके अंदर नजर है ना, तो आप जो है वो एक आंख अगर छोटी एक बड़ी है तो आप दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यू सी सो अब अगर आप में वो पहचान है तो फिर आप जो है वो लिटरली यू कैन बिकम एन आर्टिस्ट यू नो, अ मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज इट इज यू आर एन आर्टिस्ट एंड बट योर मीडियम इज नॉट
paint or it's not canvas or it's not pencil or it's not, you know, crayons or whatever. Your medium as an artist is makeup. Very nice. अच्छा मैं अब ये एक थोड़ा सा ना ताकि क्यों मेरी खवातीन भी इस वक्त मुझे देख रही होंगी तो और जब नादिया हुसैन के नाम आता है तो लोगों का ये जो ब्यूटी से रिलेटेड एक चीज़ है ना अंदर से एक आँख खुल जाती है. तो आजकल की जो आपने भी कहा ना हल्के बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कौन सी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स होती है जिनके ये डार्क सर्कल्स हो जाते हैं? और बाकी मेरी अपनी भाभी के साथ प्रॉब्लम, मुझे रात दिन बाकी ये कह रहे थे सॉरी भाभी नींद पूरी नहीं हुई हमारी तबीयत ठीक है. सीरियसली ये जो ना ऑटोमेटिकली मुंह से निकल आता है तो जब वो लगता है शक्ल पे तो फिर आपको वही ऑटोमेटिकली वही सवाल पूछोगे. इनके लिए क्या ट्रीटमेंट है? इसके लिए द वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स इज टू डू अ फिलर. और अगर बहुत ज्यादा सैगिंग है अंडर आई के ऊपर तो फिर जो है वो आप थ्रेड के साथ भी कर सकते हैं. लेकिन अगर यू नो जो एक कई दफा ऐसा होता है डार्कनेस खत्म होती है, वो जो डार्कनेस एक होती है हल्कों की अपनी जो ग्रेश सफाई होता है वो भी खत्म हो सकता है. वो भी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स होती हैं कि उसके साथ यू नो उसको रिपीटेडली ट्रीटमेंट्स को जब हम करते हैं तो वो भी जो है वो खत्म हो सकता है. ग्रेट. यस. और ये जो लोगों को लगता है ना कि मेरे जो लटक के आ गए तो उसके लिए थ्रेड लिफ्ट. Thread lift is one of the best non-surgical. It is अच्छा. अब treatments जो हैं वो non-invasive होती हैं, meaning कि आप body को invade नहीं कर रहे हैं, आप injection नहीं लगा रहे हैं, आप ऊपर से treatments कर रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर non-invasive के अंदर जो है वो facials आ जाते हैं, lasers आ जाती हैं, you know इस किस्म की treatments आ जाती हैं, light therapies आ जाती हैं. Invasive treatments are the treatments to injectables होते हैं, for example, ठीक है ना? And then उससे बढ़कर जो है are the surgical, which are also of course invasive, ठीक है? मैं जो हूँ वो surgical treatments नहीं करती हूँ, मैं invasive non-surgical treatments करती हूँ. So उसके अंदर जो है वो अब अगर हमें अगर किसी को lifting चाहिए है so thread lift is the best, you know, one of the best non बिल्कुल मैं करती हूँ one of the best non surgical treatments. Invasive तो है, जरूर invasive है लेकिन surgical नहीं है. और कितना अर्सा उसका रहता है time? उसका जो है वो approximately साल डेढ़ साल तक जो है या डेढ़ साल तक तो आराम से चल जाता है if you are doing it with you know like the best threads for example. अगर आप you know threads सस्ते वाले इस्तेमाल करते हैं जिनका result जो है वो भी थोड़ा सा कम होता है तो वो इतना लंबा लास्ट नहीं करेगा, यू नो 6 महीने 8 महीने तक लास्ट करेगा. अगर आप उससे जो बेहतर थ्रेड्स हैं अगर आप वो इस्तेमाल करती हैं तो उससे जो है वो डेफिनेटली रिजल्ट विल बी अ लॉट लॉन्गर लास्ट. ग्रेट. नादिया की फंसी खाने के मामले में ये जो मिला खा लिया? नहीं नहीं, आई एम नॉट फंसी एट ऑल. जो मिला खा लिया लिटरली इज लाइक और बाद में बर्न कर लिया उसे. हाँ लेकिन आई एम नॉट एन ओवर ईटर. मतलब एक तो ये कि मैं बहुत स्लो स्लो खाना खाती हूँ, आई ईट वेरी स्लोली. एंड देन आल्सो के हमारी मम्मी कहती थी इतना आहिस्ता खाती हूँ भारी कर लेती हूँ खाना सब पे. हाँ हाँ लेकिन वो ये कि वो फिर यू नो जो भी है मैं खा लेती हूँ लेकिन ये कि फिर मुझे आई डोंट एंड अप ओवर ईटिंग बिकॉज वो खाते खाते ही पेट भर जाता है ना. तो स्लो करके करके खाओ, खाना भारी कर लो खुद के ऊपर. तो किस तरह के खाने मतलब कुछ मिर्ची वाले तड़के वाले खाने कुछ पसंद है? मैं तो बहुत आई एम अ वेरी चटपटा पर्सन. आई लव ऑल काइंड्स ऑफ स्पाइसी फूड्स एंड अचार एंड यू नो मतलब छोले एंड ऑल दैट आई जस्ट एब्सोल्युटली लव. बट देन ऑफ कोर्स देयर आर ऑल अदर काइंड्स ऑफ फूड, आई मीन चाइनीज एंड जापानीज एंड थाई एंड यू नो व्हाटएवर. कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी चीज के ऊपर? नहीं, बट द ओनली थिंग इज के यू नो व्हेनेवर यू आर ईटिंग यू शुड नो कि अच्छा हाँ ठीक है आपको जो है वो अगर आप खा भी रहे हैं तो फिर ये कि आप जो है वो अपने अगले इतना चीट मील में आप एटलीस्ट आप थोड़ा सा गैप दे एंड इन द मीन टाइम यू नो यू नीड टू बी बर्निंग इट ऑफ एज वेल. अगर आपको वेट लूज करना है देन यू नीड टू गो ऑन अ लो कैलोरी डाइट, यू नो, क्योंकि अगर आप लो कैलोरी डाइट पे आप नहीं अपना करेंगे या फिर ये है कि जिस तरह आप आजकल की जो एक फैट डाइट है विच इज अ वेरी हाई कैलोरी डाइट विच इज द हाई फैट डाइट that is a very high calorie diet but it is completely you know jo aap matlab ki wo ketogenic diet ko bolte hain wo ketogenic diet mein jo hai wo aap itna high calorie khana kha rahe hain lekin aap jo hai wo usko weight lose kar rahe ho aap weight lose kare lekin uska iske piche jo sense hai wo ye hai ki ji aap kyunki carbohydrates bilkul nahi kha rahe hain wo aapke jo immediate source of energy hai
वो तो आप इनटेक नहीं ले रही उसकी, तो जो इवेंचुअली जो आपका बर्न होगा वो आपका फैट बर्न होगा, लेकिन आपको जो फैट आप खा रहे हैं वो आप डेंजरस फैट नहीं खा सकते। आपको बहुत केयरफुल होना है कि आप गुड फैट्स खाएं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बैड फैट्स एंड गुड फैट्स। तो आपको गुड फैट्स खाने हैं और वो आपकी हेल्थ के लिए भी यू नो अच्छे होंगे, वो आपके ब्रेन के लिए भी अच्छे हैं, वो आपके जॉइंट्स के लिए भी अच्छे हैं वो, एंड इन द मीन टाइम यू शुड बी एक्सरसाइजिंग। हम इनके काम की जगह पे पहुंच गए और मैं नहीं चाहती कि इनकी क्लास लेट हो, तो चलो चलो आ जाइए। वेरी ऑनर्ड कि आप सब लोग जो हैं वो उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया एंड दैट यू आर हियर, एंड आई रियली होप कि आई कैन डू जस्टिस एज वेल। सो इफ यू फील दैट द ब्यूटी वर्ल्ड ग्लिटर्स आर स्टिकिंग दैट मीन्स इट्स वेरी गुड। आप हमारे साथ ही है ना, इंजॉय करें इंशाल्लाह। जब तक ये चीजें लाइन अप करती हैं फिर हम चलते हैं, आइए गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। कराची मेरा शहर, बच्चे, जिंदगी, जी वेलकम बैक नाजरीन। आज जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि ये इवेंट खत्म हुआ, मेकअप क्लास खत्म हुई और इस वक्त हम निकले जहाँ इन्होंने एक और इवेंट पे जाना, और ये है जिंदगी नादिया हुसैन की, भागती दौड़ती बेचारी समोसा हाथ में करके खा रही है। आप लोग पूछते हैं कौन सी डाइट करती हैं आप, बताइए वाली डाइट करते हैं पूरे दिन का आपकी। ये वाली जो डाइट है ये बहुत कम खाने को मिलती है। चलिए ये खाना खा लिए, इट वाज समथिंग दैट वाज नो इट एनर्जी तो फिर लगती है, तो फिर जब इस किस्म की चीजें जब सामने आ जाती है फिर दिल भी चाहता है। मैं सब अब देख रही थी मैं क्या, बहुत सारे लोग जो टीवी पे देख रहे थे माशाल्लाह 200 के करीब आपके सामने खवातीन बैठी है और उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, मुस्तकिल बोलना भी, हाथ का चलना भी, कॉन्सेंट्रेशन अपने मेकअप की तरफ रखना, उनके सवालों की तरफ रखना, अपने जवाब को देना, तो इतनी चीजों को दिमाग में भी मैनेज करना बड़ी बात होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग, यू नो कि आप सवाल का भी जवाब दे रहे हो और साथ में जो आप कर रहे हैं आप उस पे भी फोकस लूज नहीं कर रहे हैं। सो या आई मीन लाइक इस वजह से मैंने तुम्हें भी बुलाया, मैंने कहा जरा तुम थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रखो ताकि मैं जल्दी मेकअप कर दूं। इट्स लवली, हमने बल्कि आपने भी देखा कि कितना अच्छा ग्लिटर का यूज किया और कितना मजा, क्योंकि आज का ग्लिटर इन है और इतने मुख्तलिफ कलर्स में इन है। ये कभी एक दौर था जब हमारी अम्मियों की और फुफियों का था तब हमने ग्लिटर वाले और फ्रोजी वाले देखे थे, लेकिन अब चीजें वही वाली बात है वापस आने लगती हैं। तो अब मेकअप भी कपड़े भी उस तरह की चीजें आ रही है, टैक्सेस जो बढ़े, तो आपके जब मेकअप प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस आते हैं, I mean, इतना सेल्स टैक्स हमारे ऊपर, ये टैक्स हमारे ऊपर, जब मैंने सलोन शुरू किया तो मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना कुछ जो है वो होता है, एंड इट इज जस्ट अनबिलीवेबल, बिकॉज आप जो कुछ कमाने की कोशिश भी करते हैं ना वो सारा, अब पानी का टैक्स हम दे रहे हैं लेकिन पानी आ नहीं रहा, पानी नहीं आ रहा, सो उस चीज पे तो इतना गुस्सा आता है कि मतलब आप क्या प्रूफ कर रहे हैं। सही बात, पानी आप किस जरूरत से आप पानी का टैक्स ले सकते हैं और आप पानी हमें लाइन तो दे भी नहीं रहे। सही, करती चीजें बिल्कुल बिल्कुल करती है, बिकॉज हर चीज पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस का, यू नो जहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ से कमाई कर रहे हैं, अगर बिजली का प्रॉब्लम ना होता, पानी का प्रॉब्लम ना होता तो हम वो तो पैसे सेव कर रहे होते हैं ना, लेकिन अब जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम तो है ही है, जब बिजली का प्रॉब्लम नहीं था अब वो एक्स्ट्रा पैसे जो है वो डीजल में जा रहे हैं, आई मीन और डीजल आसमान को भी छूने वाला है, इट्स नेवर एंडिंग। हाँ पेट्रोल बढ़ता है तो डीजल बढ़ता है, अभी फिर यू नो पेट्रोल की प्राइसेस, इट्स लाइक इट्स नेवर एंडिंग एंड यू जस्ट डोंट नो कि हम जब फील करते हैं डेफिनेटली तो फिर गरीब आवाम तो बिल्कुल ही खत्म है कहीं। अच्छा जनाब आप जल्दी से करते हैं रैपिड फायर, रैपिड फायर में हम ये करते हैं कि मैं एक वर्ड लूंगी, जैसे मैंने कहा सड़क, जो पहला वर्ड आप दिमाग में जो चीज आए वो बोल दीजिएगा, ठीक है, तो उस कराची
मेरा शहर ग्रेट बच्चे जिंदगी वाव दीपक परवानी फ्रेंड प्रियलता प्रियलता डायनामिक वाव ओके अब आते हैं सड़कें टूटी नहीं पानी नहीं है ओके पानी नहीं है लाइट बिजली बिजली क्या करें एक सोच हाँ सोच बनकर रह गई है पाकिस्तान पाकिस्तान हमारी आइडेंटिटी इमरान खान इमरान खान तब्दीली नहीं आएगी शादियाँ हाँ शादियाँ perhaps शादी को किस तरह मैंने कहा इमरान खान शादियाँ शादी हाँ शादियाँ शादियाँ is business wow शादी for me मैं अगर अपनी तरफ से सोचूं शादियाँ is business of course जितना ही शादियाँ होंगी उतनी brides आएंगी brides आएंगी तो पैसा आएगा उसके साथ of course आपके पास चीजें आती है अच्छा जी अब हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो क्या दिमाग में आता है Bilawal Bhutto, I would say enterprising, you know, एक थोड़ी सी झलक उसमें एक एक वो passion थोड़ा सा feel होता है what Benazir had, you know, so Benazir Bhutto, Benazir Bhutto, iconic. Wow, ये सही बात है मैं भी कहती हूँ कि बीबी जैसा कोई ना हुआ ना अब होगा और मेरा ख्याल अब बन नहीं सकता जैसे मेरा ख्याल है ये बड़ी कमाल किस्म का इन्होंने ठक ठक रैपिड फायर का मतलब होता है कि आप ठक फौरन जवाब दें आप एक शो चला करता था जिसमें आप बड़े मज़े का इंटायर था उसका कि जिसमें फैशन के हवाले से भी चीज़ें बताती थी मेकअप के हवाले से भी चीज़ें बताती थी आई थिंक मोहसिन उसको डायरेक्ट करता था पुराना शो था मुझे याद पड़ रहा है ये कुछ मैंने ऐसा देखा बड़ा मज़े का था मैं खुद बड़ी खूबसूरत से तैयार हूँ अच्छा मैं वो शो इसलिए देख रही थी कि आपको मुझे देखना अच्छा तब मैं बिल्कुल नई नई इस इंडस्ट्री में आई थी हाँ। तो मैं मेरी मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन हमेशा बड़ा एडमायर करती थी कि अच्छा मेरा भी माथा चौड़ा इनका माथा चौड़ा लोग मुझे बड़ा कॉन्शियस करते थे हमारे लेकिन हमेशा नबी मुझे बड़ा वो कहा कि नहीं ये माथा चौड़ा ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ब्यूटी है लोग कभी टोकते हैं हमारे यहाँ जो नॉर्मल आवाम है कभी नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं बल्कि कई लोग तो बोलते हैं यू नो कि वही जिस तरह एक एक है भी आई थिंक यू नो कि जी चौड़ा माथा जो है वो खूबसूरती की बल्कि वो तो कहते हैं कि निशानी है या फिर ये कि इंटेलिजेंस की निशानी है सो नहीं इस तरह तो कोई नहीं लेकिन लोग जरूर सवाल पूछते हैं कि अगर आपका माथा चौड़ा है तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करती हैं ये डील करती हैं और व्हाटएवर सो ऐसे कि ना कई दफा हेयर स्टाइल्स मैं चेंज करती हूँ या फिर ये कि अब जैसे अभी तो खैर मेरा तो अब स्टैंडर्ड हेयर स्टाइल हो गया कि जी बस जोड़ा बांध लो बिकॉज एक तो टाइम नहीं होता है बाल बनाने का और दूसरा ये कि गर्मी भी इतनी है मुझे उलझन होती है यू नो अगर फिर मैं बाल खुले रखूं या हाँ बिल्कुल काम करने के दौरान भी एक्चुअली आई कैन नॉट मेरा तो स्टैंडर्ड यही अभी क्योंकि मैं मास्टर क्लास कर रही थी मेकअप के लिए दैट इज व्हाई आल्सो आई मेड श्योर दैट माय हेयर वाज अप बिकॉज आई हेट इट जब मैं देखती हूँ अगर टेलीविजन पे भी यू नो कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं और बाल सामने आए मुझे तो इतना गुस्सा आता है मैं कहती थी जी आप अपना फैशन नहीं करनी है आप किसी आप काम कर रही है तो आप काम के डेकोरम में आपका एक एक होना चाहिए प्रोफेशनल अटायर वो दिखना भी चाहिए आप बिल्कुल अच्छा नादिया को अगर मैं कहूँ के नादिया बच्चे या काम बड़ा मुश्किल सवाल है बिकॉज बच्चों की डेफिनेटली अपनी एक जगह है लेकिन काम भी जो है वो मेरे लिए इज इम्पोर्टेंट यू नो फॉर मी वर्क इज इम्पोर्टेंट आई मीन आप अगर किसी आदमी को भी पूछें कि जी उसके लिए काम ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए बच्चे ज्यादा जरूरी है तो वो भी जाहिर है फॉर अ पेरेंट द चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट बट फॉर वेर इट वेन इट कम्स टू वर्क वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट तो मैं इसमें बड़ा मुश्किलों से जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ बाकी बिल्कुल सही कहा कि पैसे आप जब कमाते हैं तो आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत अच्छी स्कूलिंग अच्छी फैसिलिटीज दे सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि जब हम वर्किंग लेडीज की बात करते हैं बहुत सारे लोग बहुत
अजीब सी बातें कर जाते हैं वर्किंग लेडीज के लिए, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते? फिर जब हम आपके पेज फॉलो करते हैं, आपकी तस्वीरें देखते हैं, तो कभी आप बच्चों के स्कूल में बैठ के फोन दे रही होती हैं, कभी आप बच्चों के समर कैंप्स में नजर आ रही होती है, तो ये सारी चीजें देखे मैंने, देखी तो मैं बता रही हूं। तो ये नहीं, मैं तो अभी रिसेंटली अपने बच्चों के साथ मैं उनको एक चरना आइलैंड है जो कि आपको यू नो मतलब मुबारक विलेज से आगे जो है वो एक घंटे की जो है ना वो बोट की सफर पे जो है वो जाके फिर आप उस आइलैंड के अंदर आप जो है वो डाइविंग भी करते हैं, आप यू नो स्नॉर्कलिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो मैं अपने बच्चों के साथ गई थी, फिर उसके बाद अगेन आई थिंक 2 weeks बैक आई वेंट विद माय किड्स टू लकी वन मॉल जहाँ पे वंडरलैंड है, वहाँ पे जो है वो बच्चों की एक्टिविटीज हैं। सो फिर बच्चों को घर पे पढ़ाना उनका हाँ मतलब अभी एग्जाम्स आने वाले हैं तो यू नो लाइक एग्जाम टाइम में वगैरह नहीं जाते, नहीं ट्यूशन अब बड़े बच्चे ने जाना शुरू किया लेकिन छोटे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, वो तुम खुद करती हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओ माय गॉड ये कौन खातून है, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखना। सो डेफिनेटली आई मीन जहाँ पे बच्चों का वक्त है वहाँ पे बच्चों का ही वक्त है, जहाँ पे काम है वहाँ पे काम है यू नो। सो देर आर टाइम्स व्हेन यू नो लाइक बर्थडेज होती हैं बच्चों की जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग, आज तो बल्कि पेरेंट टीचर मीटिंग भी थी, तो मैं अपना मतलब जिम के बाद मैं स्कूल गई, स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करके, वो तो खैर छोटी सी पेरेंट टीचर मीटिंग थी लेकिन ऑफकोर्स थिंग्स आर इम्पोर्टेंट यू नो। तो हम इवेंट तो जनाब इवेंट पे पहुंच गए, अजय जी तो जहाँ हम आए हैं वहाँ कुछ नादिया के फ्रेंड्स भी मौजूद हैं, तो हमारे साथ फैजान मौजूद। फैजान अगर मैं कहूँ नादिया को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें वन वर्ड तो क्या होना चाहिए? मैंने जिंदगी भर नादिया के लिए जितनी भी अनाउंसमेंट्स की हैं उनमें मैंने स्टैचुएस्क का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल किया है, स्टैचुएस्क बिकॉज शी लुक्स मोर देन अ पर्सन, शी लुक्स लाइक अ मैनिक्विन यू नो, टॉल द राइट एल्टीट्यूड। तो नादिया को सबसे पहले लोग एलिगेंट खूबसूरत इन टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, मुझे तो वंडर वुमन लगती है, तो सारा कुछ करती है एक दिन, सारा कुछ करती है यू नो, मियां भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, ऑडियंसेस भी खुश हैं, ठीक है, रोज सुबह को कहीं पहुंची हुई भी होती हैं, शाम को कहीं और पहुंची हुई होती हैं, सो शी इज समबडी हु डस 5 टाइम्स मोर देन वी डू इन आवर लाइफ। मैं कोई 4-5 जगहों से होती हुई आ रही हूं, ये इनके लिए नॉर्मल है, नॉर्मल है सीरियसली। ये एज अ फ्रेंड कैसी है? मुझे पिछले 10 साल में नादिया से ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं मिला, हम इन इवेंट्स पे ही मिलते हैं, बट ये आपको पता होता है बगैर कुछ कहे कि स्पिरिट वही है जो बचपन में होती थी यू नो, तो शी इज़ द सेम पर्सन एंड वी मीट द सेम वे, चाहे हम कहीं पे भी मिलें किसी के साथ भी मिलें, नादिया डजंट चेंज। वाकई बात सही है, मैं भी जितने अरसे से जानती हूँ नादिया डजंट चेंज, मैंने कभी इनको गुस्से में नहीं देखा, कंसिस्टेंट है। हाँ मतलब इस तरह आप इतना अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकते अपने मूड्स को, मूड स्विंग सबके साथ होते हैं, तो और जिस तरह का आपका काम है उसमें तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, कभी किसी क्लाइंट के साथ किसी ने गड़बड़ कर दी, कुछ हो गया, क्या हो गया, कैसे मेंटेन कर पाती हैं मुस्कुराहट अपनी? यार ऑनेस्टली आई थिंक यू नो स्ट्रेस लेना जो है ना वो बिल्कुल गलत चीज़ है, सो आई डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, आई मीन दैट्स आई थिंक एंड दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड ओवर टाइम कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, और ये मैं कहती हूँ कि नहीं हो जाएगा यू नो, मतलब ठीक है इट्स फाइन, इतना ज़्यादा एक वक्ती तौर के लिए तो जाहिर है एक चीज़ होती है। क्या हाल है? दो वर्ड्स नादिया के लिए बोल के जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। आप तुम कहो मैं समा के मेहमान का शो कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी तुम लोग का प्रोग्राम। नहीं 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 कोई मसला नहीं, मेरा ख्याल है हमारी मोस्ट फेवरेट, मेरा ख्याल जो लोग न्यूज से प्यार करते हैं, पेपर से प्यार करते हैं, वो खुर्शीद को जरूर जानते होंगे। मैं चाहूंगी कि दो वर्ड आप नादिया के लिए जरूर बोलें। नादिया के लिए, नादिया से मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ कि दिस यंग लेडी हैज 4 किड्स, शी रन्स अ हाउस इम्पेकेबली, आई बीन टू अ हाउस एंड शी हैज अ बिजनेस ऑफ हर ओन एंड शी मॉडल्स एंड शी इज़ अ सोशलाइट हु सोशलाइजेस, तो मैं समझती हूँ कि ऐसी अगर हमारी ख़वातीन सब हो जाएं, जो कि बहुत मुश्किल है कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ मल्टीटास्किंग,
औरत मल्टीटास्किंग करता है करती है, लेकिन इसने तो बिल्कुल एपिटमी में, ये तो बिल्कुल हाइट पे। और माशाल्लाह से सादिया आप अपने आप को भी तो देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। जनाब ये था हमारा आज का शो नादिया हुसैन से, हमने पूरा दिन गुजारा, नादिया के लास्ट वर्ड्स भी हमने ले लिए, लेकिन मेरी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे को नए मेहमान के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस एक्टिविटी को एंजॉय करें, क्योंकि हमारा कैमरा तो भी यही हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। चलो बाय बाय।